नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गोबर गैस को लेकर। बिहार सरकार अब गाय के गोबर की खरीद करेगी और यह गोबर से मीथेन गैस बनाया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर अब प्रत्येक जिले में प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट में जिले के किसानों से गोबर खरीद कर लाया जाएगा। बता दें कि इसी गोबर से मीथेन गैस बनाकर उसे पुनः गांव में ही सप्लाई की जाएगी। बता दें कि गोबर गैस से बनाने के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में गैस प्लांट लगाने की जिम्मेवारी एजेंसियों को दे दी गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि एजेंसी प्रत्येक जिले में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। एजेंसी चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक किसान या फिर अन्य लोगों से गोबर की खरीद की जानी है। इसकी कीमत क्या होगी, इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है। प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि का चयन करने की जिम्मेवारी स्थानीय जिला प्रशासन की होगी। वर्तमान में ज्यादातर किसानों में इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इधर इस योजना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 2025 तक सभी जिलों में गोबर गैस के प्रोसेसिंग प्लांट से उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी। यह भी बताया गया है कि इस गैस से जहां रोशनी का प्रबंधन किया जाएगा तो वहीं पे खाना बनाने के लिए सिलेंडर भी तैयार किया जाएगा। इन सभी प्रक्रिया के लिए मार्च से पहले सप्ताह तक टेंडर की प्रक्रिया समाप्त कर लेनी है। साथ ही साथ एजेंसी का चयन करने की भी प्रोसेसिंग जो है वो प्लांट स्थापित करने का काम भी जो है वह भी शुरू किया जाएगा। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि 1 किलो गोबर से 2 किलोग्राम मीथेन गैस तैयार किया जा सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि जब गोबर से गैस बनाने की प्रोसेसिंग सही तरीके से की जाए तभी जो है यह संभव हो पाएगा। प्रोसेसिंग के लिए सभी प्लांटों पर तकनीकी विशेषज्ञ रहेंगे जो कि गैस उत्पादन से लेकर सिलेंडर में रिलीफिंग तक का काम करवाएंगे। प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले कचरे से बर्मिंग कंपोस्ट बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों को देखें तो यह बताया गया है कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक पशुओं की संख्या है। सबसे अधिक संख्या गाय की है। बताया गया है कि प्रदेश में 1,53,97,980 गाय हैं, जबकि भैंसों की संख्या 70,19,794 है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि एक पशु 24 घंटे में अगर 15 किलोग्राम यानी 15 केजी गोबर देता है, तो ऐसे में अब कहा गया है कि गोबर एकत्रित करने की जिम्मेवारी जो है वो एजेंसियों की होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि शहरी क्षेत्र में इस प्रोसेसिंग प्लांट को चलाने के लिए गांव में इसकी व्यवस्था की जाएगी, यानी कि गांव से जो है गोबर लाया जाएगा ताकि शहरों को रोशन किया जा सके। इसके साथ साथ गांव की सुंदरता और उसके स्वच्छता को लेकर प्रत्येक वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। अब इसके लिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। यह गांव में प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड बनाया जाएगा, इससे कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि घर के पानी को तालाब में जाने से पहले 3 बार उसका जो है शुद्धिकरण किया जाएगा। गंदे पानी को तालाब में गिरने के पीछे यह भी तर्क दिया गया कि गांव का जलस्तर जो है वो ठीक हो सकता है, यानी कि ठीक करने की प्रक्रिया जो है इसको लेकर भी काम किया जा सकता है। बिहार सरकार लगातार पानी को लेकर यानी कि जल के संरक्षण को लेकर काम कर रही है, जिसमें उनका कहना है कि हम जो है किस तरह से जल स्तर को जो है प्रदेश के जल स्तर जो है उसको हम बढ़ा सके। इसी कड़ी में जो है एक तरह से कहने की जितने भी तालाब हैं, कुएं हैं, उन सब का सर्वेक्षण करके उसमें पानी की मात्रा जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में हमने देखा कि गंदे पानी से जो है अगर गांव का अगर आपका नाली है या फिर नाला है तो उसको जो है उस तालाब में डालने की बात कही गई है। दूसरा जो अहम चीज़ है वो सौर ऊर्जा को लेकर, इससे पहले भी बिजली उत्पादन को लेकर कई तरह की बातें जो है मीडिया में चलती रही थी, जिसमें सौर ऊर्जा के डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार भी इसको लेकर जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने की काम कर रही है, लेकिन अब जो एक नई तकनीक, हम पहले पुरानी तकनीक है लेकिन बिहार सरकार अब जो है इस पर तेज़ी से काम कर रही है, वह गोबर गैस है। तो ऐसे में बिहार सरकार अब जो है गोबर गैस को लेकर डेवलप करेगी ताकि आपका घर जो है गोबर गैस से भी रोशन हो सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।